मयूरेश, गुड इवनिंग. पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर दीजिए. चार दिन के सुस्ती के बाद वापस मोमेंटम दिखा है और इंटरेस्टिंग यह है कि बैंक स्टॉक्स में जो तेजी बनी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है. अभी पीएसयू बैंक स्टॉक्स पर, स्पेशली जो छोटे बैंक है, उन पर व्यू क्या है? नहीं दीपाली जी, नहीं बिल्कुल. आई थिंक जो एक ऐसा स्टील का रेजोल्यूशन आ गया एनसीएलटी के केस में और पूरे पीएसयू बैंक्स के फॉर्च्यून्स बदल दिए. कहीं ना कहीं आई थिंक एक उम्मीद मार्केट में यही जगी है कि आई थिंक जो आगे के एनसीएलटी केसेस हैं यहाँ पे भी अगर रेजोल्यूशन आने लगे तो आई थिंक जो प्रोविजनिंग ये बैंक्स ने किए हैं, आई थिंक एक्सेस प्रोविजनिंग करने के कारण विल प्रॉब्ली हैव टू राइट दैट बैक. इसका मतलब Q3 के नतीजे काफी तगड़े हो सकते हैं. तो आई थिंक SBI ऑब्वियसली इज द लीडर इन द एंटायर पैक, बट ये मेजोरिटी बैंकों में मुझे लगता है आई थिंक जैसे कॉर्पोरेशन बैंक आपने जिक्र किया था, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ द एनसीएलटी रेजोल्यूशन SR को लेके. और दूसरे केसेस का अगर हम जिक्र करें तो मुझे लगता है आई थिंक बैंक्स लाइक इंडियन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी की बेनिफिशियरीज रह सकते हैं पीएसयू स्पेस. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दमदार परफॉर्मर रहा है. मयूरेश जी, आपका आउटलुक क्या है? 1500 के ऊपर भी क्या ये स्टॉक लेना चाहिए? आई थिंक तेजी बरकरार रह सकती है और बिल्कुल जो निवेशकों ने आई थिंक इन्वेस्ट किया बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. जो आशीष जी ने आई थिंक सारे फैक्टर्स कहे हैं मैं सारे फैक्टर्स से सहमत हूं. और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डिसरप्टिव ट्रेंड जियो ने स्टार्ट किया था, हालांकि डेट बिल्टअप जरूर हुई थी बैलेंस शीट के ऊपर, बट कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि बॉटमिंग आउट रिपोर्टेड आरपूज में हो रहे हैं एंड देर इज एवरी एक्सपेक्टेशन. जैसे आराम को डील की बात कर रहे थे एंड अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम रिफाइनिंग टू पेटकेम, जैसे इनका रिटेल कारोबार चल रहा है जो इंटेंसिटी से बढ़ रहा है एंड अगेन आई थिंक द कैपिटल रेजिंग ऑन द जियो फ्रंट, ये सारी चीजें आई थिंक बैलेंस शीट को अगले कुछ क्वार्टर्स में डेट फ्री कर सकता है एंड देन यू कैन प्रॉब्ली इवन एक्सपेक्ट डिविडेंड पे आउट एंड इंप्रूवमेंट इन रिटर्न रेशियोज. तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा स्टॉक पे. जो निवेशकों के पास स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह. मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये व्यू है. लेकिन चलिए अब आपके सवालों को करते हैं शो में शामिल और रुख कर लेते हैं स्टॉक फटाफट का. और पहला सवाल SMS के जरिए आया है नोएडा से सोनू प्रसाद का. सवाल है इनका वेदांता पर. इन्होंने 2000 शेयर लिए हुए हैं वेदांता के, परचेजिंग प्राइस है 160 का और साथ ही HPCL यहाँ 320 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस है 315. क्या करना चाहिए मेरे जी HPCL और वेदांता दोनों में? तो बताइए जी, आई थिंक काफी वीक स्ट्रक्चर लग रहा है. आई थिंक वेदांता के हम नंबर्स भी देखें तो बहुत बहुत सॉफ्ट था. एल्यूमिनियम प्राइसेस घट चुके थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1850 प्रति टन पार कर चुका है, 400 रुपये से उनके कूल मिला नहीं था एंड कहीं ना कहीं आई थिंक इवन फ्यूचर एल्यूमिनियम प्राइसिंग आई थिंक वो घट चुकी है. तो एल्यूमिनियम का जो आई थिंक उनको एक आउटपुट एक्सपेक्टेड था, आई थिंक एक्सपेक्टिंग 1.7 to 1.8 मिलियन टन्स अगेंस 4 मिलियन टन्स विच इज द रिक्वायरमेंट. तो वहीं भी आई थिंक कहीं दिक्कतें हो सकती है. टूटिकोरन का प्लांट, कॉपर प्लांट अभी भी बंद है. हालांकि आई थिंक इनपुट कॉस्ट थोड़े स्टेबल हो गए हैं बट आई थिंक ऑल दीज इश्यूज विल स्टिल प्लेग द बैलेंस शीट्स. जो लेवल्स पे आई थिंक बिजनेस थे इन्वेस्टर के लिए है वहां पे एक्जैक्टली 200 DMA है. तो आई थिंक इज बेटर ऑफ प्रॉब्लम लुकिंग एट एनी अदर स्टोरीज. मुझे लगता है आई थिंक अगर ये स्टॉक बेच सकता है रैलीज पे या प्रॉब्लम लुक एट अ स्टॉक लाइक नेस्को, जो मुझे लगता है आई थिंक काफी तगड़े रिटर्न दे सकता है इवन फ्रॉम द करंट जंक्चर. इवन फ्रॉम HPCL परस्पेक्टिव मुझे लगता है आई थिंक जो इनके रिपोर्टेड GRMs थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगापुर GRMs एक्चुअली कमिंग डाउन. जो प्रोडक्ट क्रैक्स हुए हैं वीकन 4.2 के सिंगापुर GRMs, तो रिफाइनिंग बिजनेस थोड़ा वीक रह सकता है. मार्केटिंग वॉल्यूम्स और मार्केटिंग मार्जिन शायद दबाव में आ सकते हैं HPCL के लिए भी गोइंग फॉरवर्ड. तो ये लगता है आई थिंक थोड़ा वीक लग रहा है. एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए इंडस्ट्रीज हो सकता है. इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टॉक है कि अर्निंग्स काफी तगड़े थे इसका. अगर कॉम्पिटेटर आप देखिए पॉलीकैब, आई थिंक एक जबरदस्त मूव दे चुका है. आई थिंक KEI इज लैगिंग बिहाइंड, नंबर्स वर फैंटास्टिक और कहीं ना कहीं एक कैचअप भी KEI दे सकता है कंपेयर टू अवर पॉलीकैब इज डिलीवर. तो शायद Nesco और KEI कैन बी ऑल्टरनेटिव फॉर वेदांता एंड HPCL. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, HPCL से एग्जिट आप कर सकते हैं और बाकी आपको व्यू मिला है वेदांता पर. फोन लाइन पर हमारे साथ नागपुर से आकाश बने हुए हैं. आकाश नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? मैम थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस. मैम मेरा ITC लिया हुआ है. पूछिए सवाल. हाँ, मैंने ITC के शेयर्स लिए हुए 45 शेयर्स एट 262.25 पे और मेरा पीरियड है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. लेकिन जब से मैंने लिया उसी टाइम से उसने डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया. शुड आई होल्ड और एग्जिट?
मयूरेश क्या सजेशन होगा आपका, आईटीसी 262 की बाइंग है, ब्लू शॉर्ट टर्म है? पहली बात तो अगर व्यू शॉर्ट में तो स्टॉप लॉस लगाइए, आई थिंक दैट इज अ प्राइमरी रूल। दूसरा आई थिंक जैसे इसके नंबर्स हैं और जैसे वैल्यूएशन स्टैक में प्लेस्ड है कंपेयर टू इट्स प्लेयर्स पीयर्स, आई थिंक क्लियर एक विनर हो सकता है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट डेफिनेट शॉर्ट टर्म व्यू है। रैली से एक बार निकल सकते हैं स्टॉक्स में से, मुझे लगता है आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड स्टॉक्स दैट कैन एक्चुअली लुक एट। आवाज फाइनेंशियल्स फॉर वन, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक बिल्कुल दे सकता है, या इवन समथिंग लाइक अ नेस्को जो मुझे अच्छा लग रहा है एट दिस जंक्चर। ठीक है, तो आईटीसी से एग्जिट कर सकते हैं और एफएमसीजी स्पेस में कुछ और चॉइसेस आपको बताई गई, आप पोजीशंस बना सकते हैं। राहुल है हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से, गुड इवनिंग राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका? आपकी बाइंग यस बैंक। मयूरेश जी बताइए क्या सजेशन होगा येस बैंक, एक कांस्टेंट रनअप के बाद अब तो थोड़ा सा स्टॉक में मुनाफा वसूली दिखी है दो दिनों में, 65 की इनकी बाइंग है, उसी के आसपास बंद हुआ है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू है, जैसे पिछले क्वार्टर का भी आईटीसी पे शॉर्ट टर्म व्यू था, कहीं ना कहीं रैलीज पे एक बार निकल सकते हैं, क्योंकि जो कि अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी भी वीक रह सकती है, जो आई थिंक एसेट रिकग्निशन इनको करना है, जितनी प्रोविजनिंग इनको बढ़ाई है, ये शायद बैलेंस शीट पे दबाव ना है। और हालांकि आई थिंक कैपिटल रेजिंग का इन्होंने जो प्लान किया है, आई थिंक जो एक उपजान बनाया है, आई थिंक दैट माइट क्रिएट अ स्पर्ट इन द स्टॉक, बट शॉर्ट टर्म व्यू होने के कारण आई थिंक रैली से एक बार निकल सकते हैं। आई थिंक जो बाकी के प्राइवेट बैंक्स आई थिंक हमें अभी भी पसंद आ रहे हैं, दो आई थिंक बाजी रन अप क्वाइट अ बिट, मुझे लगता है बैंक्स लाइक कोटक एचडीएफसी बैंक कैन स्टिल डिलीवर ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। यस बैंक से निकलने की सलाह है, एचडीएफसी कोटक बैंक खरीद सकते हैं बैंकिंग स्पेस से। विकास तिवारी हमारे साथ प्रयागराज यूपी से, विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, ये मैंने लूपिन लिया है 755 पर, 400 स्टॉक है, और मुझे जानना था कि क्या करूं, होल्ड करूं या ये विच करूं या सेल करूं? ठीक है, एवरेज करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बैंक प्राइस पर ही है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट ज्यादा नीचे नहीं है। बताइए मयूरेश क्या करना चाहिए, 755 की बाइंग है, 747 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन होगा? मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे इसकी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी, आई थिंक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी थोड़ी वीक रह सकती है, पर आई थिंक एक होप और एंटिसिपेशन है मार्केट में, आई थिंक द वर्स्ट प्रॉब्लम विल गेट ओवर इन द कमिंग ईयर, जहां पर नए लॉन्चेस आ सकते हैं, रेगुलेशन एंड रेमेडियल कॉस्ट विल बी बिहाइंड देम, और अगेन अगेन देयर माइट बी सम इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द प्लांट्स विच ऑल्सो विल बी बिहाइंड देम। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंक्लूडिंग एलिवेटेड आर्थिंग एक्सपेंडिचर, शायद FY21 कैन बी अ बेटर ईयर। तो मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो एक पेशेंस के साथ शायद होल्ड कर सकते हैं। 767 200 DMA है स्टॉक का, तो आई थिंक इसको ब्रिज करना बहुत नेसेसरी है वॉल्यूम्स के साथ, इफ द स्टॉक हैज टू मेक अ बिग मूव। एक ऑल्टरनेट चॉइस यही स्पेस से अगर कुछ करना हो तो इफका लैब्स होगा, आई थिंक दैट रिमेन्स अवर प्रिफर्ड पिक विद इन द फार्मा स्पेस। तगड़े अर्निंग्स थे, एपीआई ग्रोथ वॉज स्ट्रॉन्ग, रेमेडियल कॉस्ट आई थिंक विल कम डाउन, और अगर प्लांट इनका रतलाम प्लांट और मोर प्लांट में क्लियरेंस मिल गया तो आई थिंक यूएस बिजनेस है, जो एंटी या मलेरियल बिजनेस है, जो इंस्टीट्यूशन बिजनेस है, ये कारोबार भी अच्छा कर सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक इपका लब्स प्रिफर्ड पिक होगी फ्रॉम द फार्मा स्पेस, पर अगर लुपिन पे अगर लेवल्स वॉच आउट करें तो आई थिंक ये भी होल्ड कर सकते हैं विद द मीडियम टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लुपिन होल्ड करने की सलाह है, फार्मा में अगर कोई और स्टॉक जो मयूरेश को पसंद है वो है इपका लेबोरेटरीज, यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है। सवाल आया है फेसबुक पर नोएडा से जेएस अरोड़ा का, सवाल है इनका एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग पर, इन्होंने 150 स्टॉक्स लिए हुए हैं, 150 का ही इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, अब 100 रुपए के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, नुकसान तो है काफी इनको, मयूरेश क्या करना चाहिए? तो थोड़ा समय बिल्कुल देना पड़ेगा दीपाली जी स्टॉक के लिए, पिछले क्वार्टर के अगर मैं नतीजे देखूं तो रूरल लेंडिंग मैं आई थिंक डेफिनेट एक ट्रैक्शन देखने मिला है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिस्बर्समेंट्स एंड एसेट क्वालिटी प्रेशर्स 3.6% पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड जीएनपीएस, आरओईज में भी इंप्रूवमेंट दिखी थी, एक कॉन्शियस इंप्रूवमेंट दिखी है इन टर्म्स ऑफ दी होम बिल्डिंग ऑफ जीएन फाइनेंस बुक, जहां पे लैप और डेवलपर लोन्स हैव बीन कर्टेड, और होलसेल फाइनेंस में भी एक सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है। एंड अगेन आई थिंक स्ट्रक्चरिंग वेन प्रॉब्ली लुक एट दैट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का तो भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है डीएमसी बुक, आई थिंक दैट विल ऑल्सो स्टार्ट प्ले नाउ, बट लोन बुक कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी सॉफ्ट है, जो आई थिंक नंबर्स पे प्ले आउट होगी। अगर मैं बुक वैल्यू को भी कंपनी इंतजाम कर रहा हूँ 90-95 crore rupees, तो आई थिंक थोड़ा समय देना पड़ेगा फॉर सर्टन प्रीमियम्स टू बी असाइन टू द बुक, तो आई थिंक थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट विद दैट लॉन्ग टर्म आई थिंक ये होल्ड कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कर सकते हैं एलएनटी फाइनेंस। अभिमन्यु कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे पूछ लेते हैं। अभिमन्यु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, इलाहाबाद बैंक 425 शेयर है मेरे पास 43 रुपए के रेट से, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? काफी ऊपर की बाइंग है आपके, सिर्फ नुकसान भी काफी है। मयूरेश बताइए, थोड़ा एक्शन तो बना है सरकारी बैंकों में, लेकिन इनका भाव ऊपर का है इसलिए नुकसान काफी है इन्हें। अब क्या सजेशन है, 43 पर बाय किया हुआ इलाहाबाद बैंक। बिल्कुल, आई थिंक मोमेंटम में सरकारी बैंक चल रहे थे, आई थिंक सारे पीएसयू बैंक चलने लगे, बट कहीं ना कहीं बैंक को थोड़ी दिक्कतें जरूर है। आई थिंक रिपोर्टेड जीएनपीएस एनपीएस थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है, प्रोविजनिंग और स्ट्रेस रिलेटेड जो आई थिंक लोन्स है ये भी थोड़ी दिक्कतें दे सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। एंड कंसीडरिंग द बैलेंस शीट साइज एंड कैपिटल एडिक्वेसी, आई थिंक जो रिकवरी आ सकती है थोड़ी आई थिंक स्लो पेस्ट हो सकती है कंपेयर टू दी अदर पीएसयू और द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। दूसरा आई थिंक 40 रुपीज एक बहुत की लेवल है जहां पर 200 डीएमआर है इसका, और उसको वॉल्यूम के साथ तोड़ना बहुत जरूरी होगा इफ द इन्वेस्टर नीड्स इज कॉस्ट प्राइस बैक। काफी टॉक टूट चुका है, कहीं ना कहीं आई थिंक मीडियर हैज टू कीप पेशेंस। एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हो सकते हैं कि आप रैलीज पर निकल जाए, यू कैन प्रॉब्ली लुक एट लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे मैंने पहले डिस्कस किए थे, या फ्यू ऑफ द मिड कैप आइडियाज एट वॉल्यूम में डिस्कस के लिए इंडस्ट्रीज आवास फाइनेंशियल्स इवन समथिंग लाइक नेस्को फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उछाल पर निकलने की सलाह है इलाहाबाद बैंक से, और कुछ और स्टॉक्स आप ले सकते हैं जो कि सजेशन दिया अभी मयूरेश ने। उमेद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है चंडीगढ़ से। उमेद जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार मैडम, रेडिको खेतान मैडम 260 पर क्या मैं रखूं आने को? 360 पर आपकी, ठीक है, 300 के आसपास से बंद हुआ है। मयूरेश क्या करना चाहिए रेडिको खेतान में? ये स्टॉक तो आपको पसंद भी है, इनके भाव को देखते हुए क्या सलाह होगी? बिल्कुल, स्टॉक पसंद है, नॉट व्हाट इट मेक्स। सो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इनका प्रीमियम और प्रेस्टीज एंड अबाउट सेगमेंट है, दैट्स ऑलमोस्ट 27% ग्रॉस मार्जिन से थोड़ा बदलाव आया था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और ग्लास प्राइसेस थे दे हैड शॉट अप। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ द गो टू स्ट्रैटेजी और जो लुपिन ने नई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और जो प्रीमियमाइजेशन स्पेसिफिकली आई थिंक इनकी जो वॉडका की प्रोडक्ट है वहां पे आई थिंक देर कैन बी ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन रियलाइजेशन एंड वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल। पर जैसे नतीजे आए थे आई थिंक थोड़े निराशजनक थे, जिसकी वजह से आई थिंक ये स्टॉक को मार पड़ी है। दूसरा आई थिंक जो टेक्निकल लेवल्स है 330 या 50 डीएमआर था स्टॉक के लिए, एंड दैट इज ब्रोकन डाउन विद वॉल्यूम, जिसका मतलब ये होता है कि सेलिंग प्रेशर शायद स्टॉक पे हावी रह सकता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। पर अगर निवेशक कहते हैं एक लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मुझे लगता है आई थिंक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीमियमाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन जो इबिटा मार्जिन नॉर्मलाइज हो सकती है वो शायद स्टॉक को ड्राइव करे फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ही टेक्निकल लेवल आपका ब्रोकन डाउन ये स्टॉक और टूट सकता है, पर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है ये प्रॉब्लम यू कैन जस्ट वेट एंड होल्ड ऑन। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं रेडिको खेतान, यही सजेशन है। अब मुंबई से एमएम शेख हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, नमस्कार पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास 500 हैवेल्स है 742, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, 2 to 3 months का क्या व्यू होगा? 2 to 3 months का आपका व्यू है हैवेल्स में, और ये आपकी मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के आसपास की बाइंग होगी, सितंबर एंड तो बदली आपने लिया 732 का। ठीक है मयूरेश, मयूरेश जो जिस भाव पर इन्होंने लिया ये रिजल्ट्स के आसपास होता था, जब लॉयड के नंबर्स जैसे आए उसके बाद हमने कांस्टेंट दबाव स्टॉक में देखा, इसीलिए नुकसान में भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 2 से 3 महीने रख सकते हैं, तो अब 2 से 3 महीने के व्यू के साथ क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइट कहा, आई थिंक जैसे नतीजे हैं क्योंकि नंबर सॉफ्ट है, आई थिंक दैट क्लियरली एग्जीबिटेड ऑन द प्राइस, क्योंकि इनका आई थिंक एक शॉर्ट टर्म व्यू है। आई थिंक मैं इनके की टेक्निकल लेवल्स बताना चाहता हूं। आई थिंक ऑन द टॉप साइड अगर ये स्टॉक मूव करता है तो 681 इज द 50 डीएमए, 717 इज द 200 डीएमए, इसलिए दो लेवल्स ऊपर के साइड पे बहुत अहम होंगे, स्पेसिफिकली 681 जो 50 डीएमए है, वॉल्यूम्स के साथ निकालना होगा इफ इट प्रॉब्ली हैज टू गो अराउंड दैट 717 व्हिच इज द 200 डीएमए। एट द सेम टाइम
जो डाउन साइड पे लेवल्स आई थिंक 622 वॉच करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर ये स्टॉक 622 तोड़ता है तो और सेलिंग प्रेशर आ सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से क्योंकि 2 से 3 महीने का नजरिया है, 622 का स्टॉप लॉस रखे एंड होप दैट द लेवल्स ऑन द टॉप साइड आई थिंक गेट ब्रोकन आउट फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो लेवल्स में आपको लेवल्स बताया गया है, उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे वैल्यू पिक, यानी एक स्टॉक जो मयूरेश को पसंद है, निवेश के हिसाब से वो बताएंगे, फिर वापस आते हैं। आप देखिए कल का बाजार, अब यहां से सीधे रुक कर लेते हैं आज की वैल्यू पिक का। बताइए मयूरेश, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? मतलब ये स्टॉक मुझे पसंद है वो है नेस्को। अभी जब बॉम्बे में आप रहते होंगे तो आई थिंक ये कंपनी का आपने ग्राउंड देखे होंगे, जिसको बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के नाम से आई थिंक बहुत फेमसली जाना जाता है। बट जैसे इसके आई थिंक बैलेंस शीट के डायनामिक्स थे पिछले तिमाही में, ओवरऑल रेवेन्यूज ग्रू बाय ऑलमोस्ट 21% ऑन ईयर ऑन बेसिस, और इसके जो तीन मुख्य बिजनेस सेगमेंट्स है जो आई टी पार्क के रेवेन्यूज है दैट ग्रू ऑलमोस्ट 48% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के रेवेन्यूज है जहां पे एग्जीबिशन भरे जाते हैं वहां पे 12% की ग्रोथ दर्शाई गई थी, और जो फूड एंड बेवरेजेस का इनका डिवीजन है बिकॉज ऑफ एग्जीबिशन ऑन द आई टी पार्क एज वेल, वहां पे 2-3% की ग्रोथ दर्शाई गई थी। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है आई थिंक इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबली प्लेस, इनफैक्ट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है जो बैलेंस शीट को एप्टली सपोर्ट करता है। अगर वो बैलेंस शीट पे आओ तो इनकी जो कैश है बैलेंस शीट पे इट्स 570 crores एंड दे आर अगेन थ्रोइंग आउट कैश एवरी क्वार्टर एंड एवरी ईयर। तो अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट 100 crore, और एक्सपेक्टेशन यही है कि क्वाड्रिपल या मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगले कुछ तिमाही और वर्षों में। इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस ये कंफर्ट देते हैं अलॉन्ग विथ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कि बैलेंस शीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और जो केपेक्स ये फंड करते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी जो आईटी पार्क की बिल्डिंग नंबर 4 खड़ी हुई थी वो पूरी की पूरी इंटरनल अक्रूवल्स से हुई थी। सेकंड आई थिंक नेस्को एग्जीबिशन जो इनकी प्रोप्राइटरी आई थिंक काम है वहां पे भी एक अच्छी ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और इनका जो नया आम है वहां पे भी एक अच्छा डेवलपमेंट आ सकता है। फोर्थ आई थिंक जो अर्निंग्स रिक्वायरमेंट्स थी, आरओईज कैन इंप्रूव फ्रॉम 15.5% टू 17-17.5% एंड आरओसीज टू 21%। तो मुझे लगता है आई थिंक तगड़े रिटर्न रेशियोज, हेल्दी बैलेंस शीट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग टॉप लाइन ग्रोथ जो मार्जिन्स पर परकुलेट हो सकते हैं विच आर अराउंड 62-63% आई थिंक इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल बिजनेस इफ इन द मार्केट कंडीशन लाइक दिस। तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिल्कुल देख सकते हैं फॉर द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस मेंशन ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, तो ये नेस्को में खरीदारी की सलाह है 750 के टारगेट के साथ, ये सजेशन है मयूरेश की ओर से। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? मतलब जो भी स्टॉक्स में चर्चा की पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को डिस्कस किए होंगे एंड क्लाइंट्स डेफिनेटली विल बी हैविंग पोजीशन इन दी स्टॉक्स दैट आई विल डिस्कस ऑन दिस। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए।